कृष्ण राधे राधे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा किया है। हम इस सफर पर आप सबका सपोर्ट और प्यार के बिना नहीं पहुंच पाते। सबसे पहले हम इस मौके पर आप सभी व्यूअर्स के धन्यवाद करना चाहते हैं। अपने हमारा वीडियोस को पसंद किया, शेयर किया और चैनल को पसंद किया। आपका प्यार ही है जो हमारा चैनल को इतना बड़ा बनाया है। हमारा चैनल पर हमेशा ही क्वालिटी कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एंटरटेनमेंट और नॉलेज को ध्यान से रखते हुए इस निष्ठा से आगे बताते रहेंगे। अब विनती है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे यूट्यूब फैमिली और भी बड़ी हो सके। धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो अभी शुरू करते हैं प्रेम मंदिर ब्लॉग। बोलो वृंदावन धाम की जय। राधे 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 राधे। प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेम मंदिर की यात्रा ब्लॉग में। यह ब्लॉग में हम इस प्रमुख हिंदू मंदिर की यात्रा पर जाएंगे और इसकी सुंदरता और मनोहारी कथाएं देखेंगे। तो चलिए आइए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम प्रेम मंदिर के प्रमुख द्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जैसे ही हम मंदिर के अंदर जाएंगे, स्वामी जी द्वारा संचालित शहादत मंदिर की आरती शुरू होगी। इस चमत्कारी मंदिर की दीवारों पर सजी हुई विभिन्न भगवान की छवियां हमें भाव विभोर कर देती है। हम जहां पुरानी कथाओं के बारे में जानकारी भी प्राप्त करते हैं। प्रेम मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के प्रेम और भक्ति को अवसर देने के लिए किया गया है। प्रेम मंदिर की आधारशिला वर्ष 2001 में पांचवे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा रखी गई थी और निर्माण 2012 में पूरा हुआ था। श्री वृंदावन धाम को समर्पित यह एक आश्चर्यजनक मंदिर है। शाम के समय शानदार रोशनी से मंदिर की सुंदरता निखार जाती है। सूर्यास्त के बाद पूरा मंदिर जीवंत रंगों से जगमगा उठता है। कोई भी भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के जीवन का चित्रण का आनंद ले सकता है। मंदिर परिसर में झूलन लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला और कालिया नाग लीला का प्रदर्शन किया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री राधा अष्टमी के त्योहारों हर्षोल्लास और बड़े उत्साहों के साथ मनाया जाता है। इन उत्सवों के दौरान मंदिर का बेहतरीन तरीके से सजाया जाता है और देश भर से लोग भव्य उत्सव से भाग लेने के लिए प्रेम मंदिर आते हैं। प्रेम मंदिर आने का सबसे अनुकूल समय फरवरी से अप्रैल और अक्टूबर से दिसंबर तक है। इन महीने के दौरान तापमान मध्यम श्रेणी में रहता है, जिसके पर्यटकों को आरामदायक प्रवास मिलता है। मंदिर की प्रमुख विशेषताएं जिनका आप आनंद ले सकता है। वृंदावन का प्रेम मंदिर भी राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी कहता है। इस मंदिर की खूबसूरती इतना मंत्रमुग्ध करने वाली है कि वहां दर्शन करने वाले भक्त घंटों के लिए भाग्यवता में खो जाता है।
जब भी राधा और कृष्ण की बात होती है तो इस बात की जिक्र अवश्य होता है कि संसार में अत्यंतिक प्रेम से राधा कान्हा के प्रेम ने ही कराया है। कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि प्रेम केवल प्रेमी प्रेमिका के बीच ही नहीं बल्कि सभी साथिया, माता पिता, भाई बहनों, पशु पक्षी भी हो सकता है। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तुम पहचान, मधुर सुना दो ना हो कान्हा अब तो मुरली की, मधुर सुना दो ना। আমরা এখন একটু হোটেলে মন্দির থেকে বেরিয়ে চলে এসেছি, আসার পরে খানিকটা বাড়ির দিকে আসার পরে হোটেলে প্রবেশ করলাম। ডিনারটা সেরে একদম বাড়িতে যাব, আর দিল্লি পৌঁছাতে মিনিমাম 3টে তো বাজবেই, তো একদম খাওয়া দাওয়া করে যমুনা এক্সপ্রেসে গাড়ি ছুটবে, তো সেই জন্যে খিদেও পাচ্ছে। দুপুরবেলা খেয়েছি কখন আর সব মন্দির দর্শন করেছি। রাধে রাধে যা, আগে বিহারি কি যা, এই দেখেন রাধে রাধে কি সুন্দর লাগছে। হোটেলে এসেছি, রাজ কি মহাদুর ক্ষীর